बैराज विधानसभा से सदर विधायक अनुपमा जायसवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री योगी सरकार में हमारे साथ मौजूद हैं, अपना वोट डालकर आई हैं। अनुपमा जी, अभी अभी आप अपना वोट डालकर आई, सबसे पहली बात, सबसे पहली अपील? सबसे पहली अपील यही है कि देश हित में, प्रदेश हित में बढ़ चढ़ कर मतदान करें। मतदान लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा पर्व है, सभी लोग घर से निकलें और मतदान करें। इस बार आपका सीधा सीधा मुकाबला सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह के साथ देखा जा रहा है, क्या कहेंगी? मैं किसी से अपना मुकाबला मानती नहीं हूँ, हम हमारी सरकार अपना काम करते जाते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलता जाता है। खुद को कहाँ देखती हैं इस चुनाव में? बस 2017 में कमल खिले था, 22 में और बहुमत के साथ खिले। इस बार क्या लगता है कि 2017 से लड़ाई कुछ टफ है या आसान दिख रही है? मैंने कहा ना, मेरी लड़ाई किसी से है ही नहीं, हमारी और हमारे प्रदेश की लड़ाई भ्रष्टाचार से है, गरीबी से है, असुरक्षा से है, और उस मुद्दे पर हमने काम किया, हम जीते हैं। ये चुनाव आया है, जनता हमारे हित में मतदान करेगी। सपा लगातार दावा कर रही है कि पांचवें चरण में हम बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि आप कितनी सीटें पार? अभी उनसे ही पूछिए कैसे करेंगे, मैं इसका जवाब क्या दे सकती हूँ, तो वही लोग जवाब दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण के बाद कितनी? इस बार 2017 की अपेक्षा और ज्यादा सीटें आएंगी। तो ये थी प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग की अनुपमा जायसवाल जी, इनका साफ कहना है कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। बहराइच से भारत समाचार के लिए मोनिश अजीज़।